रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां भाजपा केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि भाजपा की पहली सूची में 100 से 120 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत करीब 40 दिग्गज नेताओं के नामों का ऐलान हो सकता है, जबकि करीब 70 से 80 ऐसी सीटों पर उम्मीदवार तय किए जा सकते हैं जहां पिछले चुनाव में भाजपा हार गई थी। बैठक में पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। इसके साथ ही भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। तो बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहां भाजपा केंद्र चुनाव समिति की बैठक में मंथन। तो इस बैठक में भाजपा केंद्र चुनाव समिति की बैठक में मंथन किया गया है। दिल्ली से रायपुर वापस लौट आए हैं सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी वापस रायपुर लौट आए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कभी भी जारी हो सकती है सूची, योग्य और जिताऊ उम्मीदवार को मिलेगा टिकट। तो दिल्ली से रायपुर लौटे हैं सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी वापस रायपुर लौटा है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कभी भी जारी हो सकती है सूची, योग्य और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का वही बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते। कभी भी सूची आ सकती है केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष। विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। चुनाव समिति की बैठक में मंथन के पश्चात सभी जो नाम आए थे सभी का संकलन करके और पैनल बना के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में दावेदारों का और वहां पर इस विषय पर विचार विमर्श हुआ है और बहुत शीघ्र, जैसा कि चुनाव लगभग निकट आ रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही शीघ्र इस पर कुछ न कुछ केंद्रीय समिति में निर्णय, जैसे ही सब चीजों पर मंथन तय कर लेंगे संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेतागण और निश्चित रूप से ये सूची आप लोगों के समक्ष। मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा की पहली सूची जल्द जारी होगी। डिप्टी सीएम का बयान हम सुन रहे थे कल, जिस तरीके से बैठक हुई है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इसके साथ साथ अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैठक में क्या कुछ जो निर्णय लिया गया है, कब तक सूची जारी हो सकती है, किन सांसदों पर वापस भरोसा जताया जा सकता है या किन सांसदों की टिकट इस बार कटेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर रात दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत दोनों डिप्टी सीएम और छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता वो शामिल हुए। बैठक में सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। 4 से 5 क्षेत्र ऐसे जहां पर पैनल बनाया गया, कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहां पर सिंगल नाम तय कर लिए गए। निश्चित रूप से अब प्रत्याशियों की जो सूची है वो कभी भी जारी की जा सकती है। इसके लिए जो संकेत भी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री हो,
प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों डिप्टी सीएम, उन्होंने इसी तरह के संकेत दिए कि अब कभी भी जो प्रत्याशियों के नामों की सूची है वो जारी की जा सकती है। निश्चित रूप से कई जो सांसद हैं उनकी टिकट कट सकती है, उनके स्थान पर नए चेहरे जो है वो मैदान में उतारे जा सकते हैं। तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव के जो चीज विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, वहीं कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी भाजपा हमें वापस दिखाएगी, कहीं ना कहीं नए चेहरों को भी भाजपा लोकसभा चुनाव में मौका देगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया।